जेएसपी इतना इजी है और इतनी सुविधाएं उपलब्ध करता है और वेब पेज बनाने का काम इतना इजी कर देता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम ये सोचेंगे कि भाई हर हाल में हम हर सिचुएशन में हम जेएसपी का उपयोग करें और सर्वलेट को यूज़ करना बंद कर दे या सर्वलेट को ना लिखे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखो, जब ये एप्लीकेशन की बात हो रही है, वी आर जावा डेवलपर्स, इफ़ यू आर डेवलपिंग इन जावा तो ये सब बातें आप सोचोगे, इफ़ यू आर डेवलपिंग अ वेब एप्लीकेशन इन जावा तो ये सब बात सोचनी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब तक का जो हमारा डिस्कशन रहा इस चैप्टर का, उसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे मैकेनिज्म और इजी सिंटेक्स हमें देखने को मिली कि जहाँ पे जिसके ज़रिए हम अपना वेब पेज इजीली डिज़ाइन कर सकते। तो मैंने कहा ना कि आप ऐसा सोचोगे कि भाई हम सर्वलेट ना बनाए और केवल जेएसपी से ही काम चलाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप जावा के डेवलपर हो, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे आए जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि जहाँ पे चर्चा हुई कि दोनों में से कौन बेहतर है, क्या मुझे केवल जेएसपी ही यूज़ करना चाहिए और मुझे जावा का अच्छा नॉलेज है, मैं जावा का अच्छा प्रोग्रामर हूँ, तो क्या मुझे केवल सर्वलेट ही यूज़ करनी चाहिए। तो देखो, दोनों में कुछ कहते हैं ना, खूबी है दोनों में। सर्वलेट की भी खूबियाँ बहुत सारी है और जेएसपी की भी खूबियाँ बहुत सारी है, और खामी तो नहीं कह सकते हम, खामी नहीं कहूँगा मैं इनको, लेकिन थोड़ा वीक दोनों। कुछ रास्ते ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिन्हें बनाने के लिए और अदरवाइज जिनमें ये दोनों थोड़े वीक है, बट वो जो इनका एरिया है, मतलब कि वो जो एरिया है जहाँ पे ये दोनों वीक है, वो दोनों का एरिया अलग-अलग है। फॉर एग्जाम्पल, सर्वलेट जहाँ पे वीक हो रही है, सर्वलेट जहाँ पे वीक हो रही है वहाँ पे जेएसपी पावरफुल है, और जेएसपी जहाँ पे वीक हो रहा है वहाँ पे सर्वलेट पावरफुल है। इसीलिए इसीलिए हमने ये चर्चा की थी कि कौन सा चयन करना, कौन सा सिलेक्ट करना, जेएसपी या सर्वलेट, इसका कोई उत्तर नहीं है। दोनों की खुद की खामियां है, सॉरी खूबियां है कि जिनको हम उस जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कुछ केस ऐसे होंगे कि जहाँ पे सर्वलेट बेहतर रिजल्ट देगा और इजी रहेगा आपके लिए डेवलप करना, और कुछ मैकेनिज्म्स, कुछ आपके गोल्स ऐसे होंगे कि जिनमें जेएसपी बेहतर रहेगा। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इन शॉर्ट, जहाँ पे प्रोसेसिंग ज्यादा है, जहाँ पे कैलकुलेशंस ज्यादा है, वहाँ पे सर्वलेट बेहतर है। मतलब कि जावा का कोड जहाँ पे ज्यादा लिखने की आवश्यकता हो रही है वहाँ पे सर्वलेट बेहतर है, वेरी गुड। और जहाँ पे आपको क्लाइंट को कुछ डिस्प्ले करना है, मतलब कि डिस्प्ले करना ज्यादा हो रहा है, वहाँ पे जेएसपी बेहतर है। और जनरली हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्सअप करके यूज करेंगे। मिक्सअप का मतलब क्या है कि अपनी एक ही एप्लीकेशन में हम सर्वलेट्स भी बनाएंगे और जेएसपी भी बनाएंगे। देखो, क्लाइंट की रिक्वेस्ट जब आएगी तो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए जावा का कोड जो एग्जीक्यूट करने की जरूरत है ना, वो हम कहाँ पे लिखेंगे, सर्वलेट में लिखेंगे। अब क्या होगा कि क्लाइंट की जब रिक्वेस्ट आएगी तो सर्वलेट रन होगी, और उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए, या तो जो रिजल्ट जनरेट करने के लिए जो कोड है वो उस सर्वलेट में होगा और वो एग्जीक्यूट होगा, और अंत में क्या होगा, रिजल्ट या रिस्पॉन्स जनरेट होगा। अब उस रिस्पॉन्स को, उस रिजल्ट को अच्छी तरह से डिस्प्ले करना है आपको, अच्छे फॉर्मेट में क्लाइंट को डिस्प्ले करना है, तो वो टास्क सर्वलेट में थोड़ा कठिन हो जाएगा। क्लाइंट को अच्छा आउटपुट देना, अच्छा प्रेजेंटेशन करना अच्छे फॉर्मेट में, तो वो कौन अच्छी तरह से कर सकता है, वो जेएसपी कर सकता है। तो हमने क्या किया, सर्वलेट में प्रोसेसिंग किया और रिजल्ट जनरेट हुआ।
अब हम क्या करेंगे, हम जेएसपी पेज बनाएंगे। वो जेएसपी पेज केवल क्लाइंट को अच्छा डेटा, अच्छा डिस्प्ले देगा, अच्छा फॉर्मेट में, अच्छे फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा। लेकिन क्या डिस्प्ले करेगा? रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, रिस्पॉन्स डिस्प्ले करेगा। कौन सा रिस्पॉन्स, कौन सा रिजल्ट? जो सर्वलेट से जनरेट हुआ है। तो इस तरह का माहौल, इस तरह का अप्रोच, इस तरह का आर्किटेक्चर जो हम इंप्लीमेंट करते हैं उसको एमवीसी कहते हैं। ज्यादातर केस में या तो मोस्टली हम इसी पे आगे चलेंगे, मतलब कि जब हम वेब एप्लीकेशन बना रहे रियल में तो यही अप्रोच रहता है हमारा कि प्रोसेसिंग हम सब कहां पे करेंगे, सर्वलेट में, और जो प्रेजेंटेशन करना है वो किस में करेंगे, जेएसपी में। लेकिन जेएसपी में से हम प्रेजेंट करेंगे क्या, जेएसपी में से हम प्रेजेंट करेंगे क्या? तो भाई जेएसपी में से हम प्रेजेंट करेंगे वो चीज, वो डेटा कि जो सर्वलेट से जनरेट हुआ है। मतलब क्लाइंट की रिक्वेस्ट जब आती है तो उस रिक्वेस्ट को सर्वलेट अपने तरीके से प्रोसेस करेगा, और हो सकता है कि उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए सर्वर को किसी और चीज की मदद लेनी पड़े, किसी और चीज से बातचीत करनी पड़ेगी, जैसे कि डेटाबेस, जो भी हो, जो भी हो वो करेगा, ठीक है। और फिर कुछ रिजल्ट जनरेट होगा सर्वलेट के अंदर प्रोसेसिंग करने के बाद। उस रिजल्ट को वो किसे ट्रांसफर कर देगा, जेएसपी पेज को, और फिर क्लाइंट को ये रिजल्ट या रिस्पॉन्स दिया जाएगा, दिखाया जाएगा कहां से, जेएसपी से। तो इस तरह का जो अप्रोच हम इंप्लीमेंट करते हैं उसको कहते हैं एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो यहां पे फ्रेंड्स ये जो बात हुई, रिजल्ट जो जनरेट हुआ सर्वलेट से, रिजल्ट जनरेट कहां पे हुआ है, सर्वलेट में, उसे डिस्प्ले कौन करेगा, जेएसपी। अब सोचो कि सर्वलेट भी एक अलग जावा की फाइल है और जेएसपी भी एक अलग फाइल है, दोनों फाइल्स अलग अलग है। रिजल्ट जनरेट हुआ है एक फाइल में, एक क्लास के अंदर, उस रिजल्ट को दूसरे क्लास से आपको डिस्प्ले करना है तो करना क्या पड़ेगा, हैं? आप भी डेवलपर हो ना, आप भी इस फील्ड में पिछले 4-5 सालों से हो, तो एक जगह पे रिजल्ट जनरेट होता है और उस रिजल्ट को किसी और पेज से डिस्प्ले करना हो तो लॉजिकली हम क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए हमें, मैं जावा के नजरिए से नहीं पूछ रहा हूं, मैं जस्ट लॉजिकली पूछ रहा हूं कि एक पेज में डेटा जनरेट हो रहा है, रिजल्ट जनरेट हो रहा है, और उस डेटा को किसी और पेज से हमें अगर प्रेजेंट करना है, डिस्प्ले करना है, तो हम क्या करते हैं, इसे क्या कहते हैं क्या करना चाहिए, देखो एक होटल है, वहां पे एक किचन है, किचन में एक ऐसा विंडो रखा गया है डिशेस का आदान प्रदान करने के लिए, यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल्स है वो रखे गए हैं, यहाँ पे टेबल्स पे क्लाइंट्स मतलब कि कस्टमर्स आके बैठते हैं और उनसे ऑर्डर लेने के लिए और पहुंचाने के लिए वहां पे आपने वेटर्स को रखे हैं, और ये जो वेटर्स है ना वो जनरली क्या करेंगे, डिशेस सर्व करेंगे, और उन डिशेस को यहाँ पे बनाएगा कौन, जो सेफ होगा वो, ठीक है। तो यहां पे रिजल्ट जो है, इस केस में जो रिजल्ट है वो क्या है,
डिश वो जनरेट कहां पे हो रहा है, जनरेट कहां पे हो रहा है, वो जनरेट हो रहा है किचन में, और वो पहुंचाना कहां पे है, कस्टमर को, और वो पहुंचाएगा कौन, ये बंदा। तो क्या करना चाहिए, डिश यहां पे बन रही है यहां पे और पहुंचानी यहां पे है, तो क्या करना चाहिए। सिंपल सी बात है, मैं सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, ना ही कोई ये टेक्निकल क्वेश्चन है। सर जो वेटर है वो किचन से क्लाइंट के पास जाएगा सर्व करने के लिए। जो वेटर है वो कहां पे जाएगा, किचन से क्लाइंट के पास। मतलब ये वेटर जो है वो यहां तक जाएगा है ना, यस सर। ये जो वेटर है वो यहां तक आएगा और यहां से वो ये जो यहाँ पे विंडो रखी है वहां पे ये जो शेफ है वो डिश बना के यहाँ पे रख देगा, और उस डिश को कौन लेगा, अपना वेटर। वेटर जो है वो किचन में नहीं जा सकता, किचन में केवल सेफ ही रहेगा और सेफ ही डिश बनाता है, तो बनता है किचन में और ये देना है वेटर को। तो बीच में क्या रखा, एक ऐसा रास्ता रखा जहां से ये चीज क्या हो सके, शेयर हो सके। मेरा जो प्रश्न था उसका उत्तर ये है कि आपको जो डेटा, जो रिजल्ट, जो डिश जनरेट हुई है उसको शेयर करनी है, जिससे वो वेटर उसको सर्व कर सके। आया समझ में। तो अपना भी केस यही है फ्रेंड्स, एक सिंपल सी बात थी। आप लोग इसका भी आंसर नहीं दे पाओगे या नहीं दोगे तो मुझे इसमें आगे बढ़ने का कैसे, मतलब कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कितना डीप में जाऊं, आपको कितना पता चल रहा है, क्योंकि इतना डिस्कशन करने के बाद भी आप ये सिंपल सा आंसर नहीं दे सकते कि भाई शेयर करना चाहिए। डेटा जो यहाँ पे जनरेट हुआ है, रिजल्ट जो यहाँ पे जनरेट हुआ है वो इस जगह से डिस्प्ले करना है, तो ये रिजल्ट इसको पहुंचाना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा या शेयर करना पड़ेगा। अगर यहां से जो डेटा जनरेट होता है उसे ये एक्सेस नहीं कर पाता जेएसपी, तो वो डिस्प्ले कैसे करेगा। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जो रिजल्ट सर्वलेट में जनरेट हो रहा है उस रिजल्ट को जेएसपी से शेयर करना चाहिए, जिससे जेएसपी उस रिजल्ट को डिस्प्ले कर सके। और यहाँ पे जो रिजल्ट जनरेट होता है उसको शेयर करने के लिए यूज होता है जावा बींस का। तो यहाँ पे जो हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं एमवीसी, इसमें एम जो है वो क्या है, मॉडल, मॉडल फिर वी फॉर व्यू एंड सी फॉर कंट्रोलर, ठीक है। ये मॉडल कौन है, बिन, कंट्रोलर कौन है, सर्वलेट, और व्यू कौन है, जेएसपी। आया समझ में। मॉडल मतलब कि वो डेटा जो बिन में है, व्यू मतलब कि प्रेजेंटर, और कंट्रोलर मतलब कि जो प्रोसेसिंग करता है वो। तो यहां पे सर्वलेट में जो रिजल्ट जनरेट होगा ना वो बिन में रखा जाएगा और उस बिन को शेयर किया जाएगा किससे, जेएसपी से। तब जाके जेएसपी बिन से डेटा निकाल कर डिस्प्ले करेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो है इस यूनिट का आखिरी चैप्टर, जावा बिन्स।
तो यहाँ पे हम एमवीसी इंप्लीमेंट नहीं करने वाले, बट हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बिन है क्या, कैसा होता है बिन, उसको जेएसपी में कैसे एक्सेस करते हैं। ये सब सीखने के बाद, ये सब डिस्कशन करने के बाद हम एमवीसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बिन होता क्या है वो डिस्कस करेंगे यूजिंग जावा बिन्स। तो देखो, मैंने आपको कई बार बताया था इस यूनिट में कि ये आपकी टेक्स्ट बुक का एक पेज कई बार हमारे सामने आएगा, राइटिंग जावा कोड इन और यूजिंग जावा कोड इन जेएसपी। वी हैव बीन डिस्कस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिट, वी शुड यूज सेपरेट क्लासेस टू डिफाइन कॉमन यूटिलिटी। वी हैव ऑल्सो डिस्कस द कॉम्प्लेक्सिटी इन डूइंग सो। देखो, ये हमने देखा कॉल जावा कोड डायरेक्टली, तो हमने स्क्रिप्टलेट डिक्लेरेशन एक्सप्रेशन डिस्कस किया, फिर इनडायरेक्टली का मतलब कि हम सेपरेट यूटिलिटी क्लास बना के भी कर सकते हैं, और तीसरा जो है वो क्या है इसमें, यूजिंग बिन्स, डेवलप सेपरेट यूटिलिटी क्लासेस स्ट्रक्चर्ड एज बिन्स। तो बिन मतलब वो जावा का एक क्लास है कि जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से बनाया गया है, और ऐसे क्लास के ऑब्जेक्ट को हम जेएसपी में एक स्पेसिफिक सिंटेक्स हमें दी गई है उसके द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जेएसपी है ना, वो किसके लिए पता है, जेएसपी नॉन जावा डेवलपर्स भी लिख सके, इस हेतु से जेएसपी को सिंप्लीफाई किया गया है। तो जावा का ही पेज, जावा की ही टेक्नोलॉजी, लेकिन जिसे जावा कोर जावा का कम नॉलेज हो, वेब डेवलपमेंट का अच्छा नॉलेज हो, वो भी जेएसपी लिख सके, जिसे एक्सएमएल का नॉलेज हो वो भी जेएसपी पेज आसानी से लिख सके, इस तरह का सिंटेक्स दिया गया है जेएसपी में कि कम से कम नॉलेज, अगर जावा का कम से कम नॉलेज हो तो भी वो जेएसपी अच्छी तरह से लिख सके, ऐसा हमें सिंटेक्स दिया गया है जेएसपी में। सो जावा बिन इज अनदर वे, येट अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग द हेल्पर क्लास। तो सिंपली जस्ट जावा बीन है वो एक और तरीका है जिसके जरिए जावा के क्लास और ऑब्जेक्ट मैनेज किए जा सकते हैं, यूटिलिटी क्लासेस। मोर ओवर, जावा बीन्स आर प्योर जावा क्लासेस, जावा के प्योर क्लास है जो हम लिखते थे कोर जावा में, वैसे ही क्लास विच आर रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। हाँ, यहाँ पे जो बीन है वो ऐसे क्लास है जिसको हमें पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना होगा। फॉर्मेट मतलब कि उसके अंदर ऐसी मेथड्स होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टर ऐसा होना चाहिए, बस और कुछ उसमें ज्यादा नहीं है, सिंपल है। इट प्रोवाइड्स अ वे टू यूज जावा फीचर्स इन द वे स्टैंडर्ड एचटीएमएल और एक्सएमएल। जावा बीन्स के जरिए हम जावा में जनरेट किया गया डेटा, जावा के ऑब्जेक्ट्स में रखा गया डेटा XML और HTML जैसी दिखने वाली सिंटेक्स के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, तो वो अच्छा है ना, क्योंकि नॉन जावा डेवलपर से JSP अगर नॉन जावा डेवलपर लिखता है तो भी वो इजीली रिजल्ट जो सर्वलेट ने जनरेट किया है वो एक्सेस कर सकता है। आया समझ में? सर्वलेट में जो रिजल्ट जनरेट हुआ है वहां पे, सर्वलेट में तो जो पूरा कोड है वो तो जावा का, प्योर जावा का कोड होने वाला है। अब सपोज कि जो JSP का डेवलपर है उसे जावा का इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी वो सर्वलेट में जो रिजल्ट जनरेट हुआ है और जो बिन के अंदर रखा है, बिन मतलब के जावा का क्लास, उसको भी जावा के ऑब्जेक्ट को भी नॉन जावा सिंटेक्स से, मतलब कि HTML और XML जैसे दिखने वाली सिंटेक्स के जरिए एक्सेस कर सकता है। वन माइट थिंक, व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबाउट बिन्स, व्हाई शुड वी यूज बिन। तो ये भी आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है ना कि ऐसा है क्या बिन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्यों भाई हम यूज करें बिन्स को। तो देखो, उसका उत्तर ये है कि वी ऑलरेडी नो द बेनिफिट ऑफ यूजिंग सेपरेट क्लासेस फॉर यूटिलिटी, इट इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी एंड डिक्रीज द कोड ऑफ अवर जेएसपी पेज। अब देखो, सेपरेट यूटिलिटी पेज बनाने के फायदे ये है कि अगर आप सेपरेट क्लास यूटिलिटी क्लास नहीं बनाते तो वो पूरे का पूरा कोड आपको जेएसपी या सर्वलेट में लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा कि आपका कोड लेंदी हो जाएगा और हार्ड टू मैनेज हो जाएगा, और अगर कहीं पे एरर आती है तो उसे फाइंड आउट करना भी आपको थोड़ा हार्ड रहेगा। सेपरेट क्लासेस आर इजियर टू राइट, टेस्ट, डिबग एंड यूज। इसके बजाय
अगर हम सेपरेटली ऐसे क्लास बना के रख दे तो अगर कहीं पे एरर आती है, कहीं पे हमें चेंजेस करना है, तो केवल उसी क्लास में करना पड़ेगा और उसी को कंपाइल करना पड़ेगा, बाकी की सभी जगह पे हमें वापस कंपाइलेशन या चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। वन माइट थिंक व्हाट डू बीन्स प्रोवाइड दैट अदर क्लासेस डोंट। तो जावा के यूटिलिटी क्लास अगर हम बनाए नॉर्मली, तो बिन में ऐसा क्या है कि जो उन्हें यूटिलिटी क्लास से अलग बनाता है, जो अब तक हमने बनाए है उससे ज्यादा बिन में क्या है? सी, जावा बिन्स आर रेगुलर जावा क्लासेस विच फॉलो सम सिंपल कन्वेंशंस डिफाइंड बाय द जावा बिन्स स्पेसिफिकेशन। बिन्स एक्सटेंड नो पर्टिकुलर क्लास। देखो कितना सरल, बिन बनाने के लिए आपको किसी क्लास को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। ये हमने कल देखा था। एप्लेट बनानी है तो एप्लेट क्लास को एक्सटेंड करो, सर्वलेट बनानी है तो एचटीटीपी सर्वलेट को एक्सटेंड करो। तो बिन को अगर आपको डिफाइन करना है तो उसके लिए जस्ट क्लास बनाना है, जावा का क्लास। किसी भी और क्लास को एक्सटेंड करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सिंपल स्टैंड अलोन क्लास, नो पर्टिकुलर क्लास और इंटरफेस एंड आर इन नो पर्टिकुलर पैकेज। इनबिल्ट ऐसे बिन जैसा कुछ है नहीं। Using bins, visual manipulation tools and other programs can automatically discover information about classes that follow this format and can create and manipulate the classes without the user having to explicitly write any code. देखो बिन को डिफाइन करने के बाद, मतलब कि बिन मतलब एक ऐसा क्लास की जो पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमने डिफाइन किया है, तो बाकी के कंपोनेंट्स, बाकी के क्लासेस, बाकी के JSP उन्हें इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये उसका एडवांटेज है। केवल आपको बिन डिफाइन करना है पर्टिकुलर फॉर्मेट में। बेनिफिट्स ऑफ जावा बिन्स। यूजिंग बिन क्लासेस फ्रॉम अवर JSP प्रोवाइड्स बेनिफिट्स एज कंपेयर्ड टू यूजिंग नॉर्मल क्लासेस फ्रॉम स्क्रिप्टलेट्स और एक्सप्रेशंस। अब देखो बिन को अगर यूज करते तो कुछ हमें बेनिफिट्स मिलते हैं कि जो हम कंपेयर कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस की, जावा, JSP एक्सप्रेशंस, JSP स्क्रिप्टलेट, JSP डिक्लेरेशन। अगर हम जावा बिन को कंपेयर करें इन तीनों से, तो देखो बिन की बात करते हैं तो उसे यूज करने के लिए कोई जावा की सिंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बनाएंगे हम जावा में, बिन को बनाएंगे जावा में, है ना, एक सेपरेट क्लास बनाएंगे, लेकिन उसे जब JSP में यूज करना होगा तो जावा की कोई सिंटेक्स की आवश्यकता नहीं है। JSP एक्सप्रेशन, JSP डिक्लेरेशन, JSP स्क्रिप्टलेट, उसमें तो हम जावा का ही, प्योर जावा का ही कोड लिखते हैं, मतलब जावा का नॉलेज होना आवश्यक है। प्रोवाइड सिंपल ऑब्जेक्ट शेयरिंग। बिन मतलब कि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको इजीली हम शेयर कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में, एक पेज से दूसरे पेज में, JSP से सर्वलेट में, सर्वलेट से JSP में, इजीली वो शेयर हो सकता है। इस कन्वीनियंट करस्पोंडेंस बिटवीन रिक्वेस्ट पैरामीटर्स एंड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। डायरेक्टली रिक्वेस्ट में से जो डेटा आया है वो इजीली डायरेक्टली हम स्टोर कर सकते हैं बिन के अंदर, ऐसी भी सुविधा है। तो काफी सारे ऐसी चीजें हैं जहां पे बिन हमें ज्यादा इजी रहता है यूज करना कंपेयर टू अदर मैकेनिज्म्स। आप जावा के डेवलपर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंफर्टेबल हो जावा से तो प्रॉब्लम नहीं है, JSP में आप डायरेक्टली जावा का कोड लिखो चलेगा। लेकिन जावा का कम नॉलेज है या बिल्कुल नहीं है तो भी देखो JSP में ऐसे मैकेनिज्म्स आपको देखने को मिलेंगे आगे जाके भी, कि JSP का पेज पूरा ऐसा दिखेगा कि जैसे उसमें जावा का कोड है ही नहीं, इंटरनली जावा का कोड यूज होता होगा, लेकिन जो हम कोड लिखेंगे, जो हम सिंटेक्स यूज करेंगे, वो बिल्कुल XML और HTML जैसी, और पर्दे के पीछे जावा का कोड रन होगा। इस तरह का इजीनेस, इस तरह की फैसिलिटी हम डेवलपर्स को दी गई है। तो कहने का मतलब अगर कोई डेवलपर जावा का डेवलपर नहीं है तो भी वो JSP का पेज लिख सके अगर उसे HTML और XML का नॉलेज है। तो इस तरह का मैकेनिज्म हमें, इस तरह की सुविधा हमें दी गई है। टू यूज बिन्स फ्रॉम JSP देर इज नो नीड टू राइट जावा कोड। देखो
अगर बीन को जेएसपी से यूज करना चाहते हो तो जावा का कोई कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओनली एक्सएमएल कंपेटिबल सिंटेक्स। एक एक्सएमएल जैसी सिंटेक्स दी गई है जिसके जरिए हम बीन को यूज कर सकते हैं। सो द जेएसपी पेज विल कंटेन स्टैटिक एचटीएमएल एंड एक्सएमएल लाइक कोड। तो आपका जो जेएसपी पेज होगा वो कैसा होगा दिखने में, मैंने कहा ना कि वो एचटीएमएल और एक्सएमएल जैसा ही दिखेगा। यूजिंग बीन्स एक्चुअल कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन गेट मोर सेपरेट। अब बिन को यूज करने से क्या होता है कि प्रेजेंटेशन जो है और डेटा वो ज्यादा से ज्यादा हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि डेटा जो है रिजल्ट वो बिन में है और प्रेजेंट कहाँ से हो रहा है, वो जेएसपी से। दैट इज बिन्स कंटेंट्स जावा कोड एंड द जेएसपी कंटेंट्स द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस कोड्स। बिन मतलब जावा का कोड, उसमें डेटा रहेगा और उसको प्रेजेंट कौन करेगा, जेएसपी। Also, the sharing of objects between multiple pages become easier, जो मेरा आज का पहला प्रश्न था आपको। बिन के जरिए आप इजिली डेटा को शेयर कर पाओगे डिफरेंट पेजेस, बहुत सारे पेजेस के बीच में। एंड इट सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ रीडिंग रिक्वेस्ट पैरामीटर्स एंड कन्वर्टिंग देम। आई हुई रिक्वेस्ट में जो पैरामीटर्स है या जो डेटा है क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट में आया है उसको इजिली बिन में डायरेक्टली स्टोर किया जा सकता है, ऐसे भी सुविधा और मैकेनिज्म हमें दिए गए हैं। ओके, व्हाट इज देयर इनसाइड बिन। अब बिन के बारे में बहुत सारी चर्चा हमने कर ली, मतलब ये है वो है ऐसा है वैसा है ऐसा कर सकता है, लेकिन अब सोचे कि भाई टेक्निकली एज ए डेवलपर करना क्या है, भाई ये बताओ अब, है ना। अब इतनी सारी चर्चा हो गई तो करना क्या है, लिखना क्या है, कहां पे लिखना है वो बताओ, वो मुद्दे पर आते हैं हम। जावा बीन्स आर दी जावा क्लासेस दैट आर रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जावा का क्लास ही है। मेन थ्री थिंग्स है कि जो हमें फॉलो करनी है, याद रखनी है ना। और वो क्या है कि भाई हम जब एक क्लास बनाएंगे जिसको हम बिन बनाना चाहते हैं, बिन जावा बिन, उसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। शुड हैव नो पब्लिक इंस्टेंस वेरिएबल। उसके अंदर जो वेरिएबल्स आप रखते हो इंस्टेंस मेंबर वो पब्लिक नहीं होने चाहिए। देखो ये सभी प्रश्नों के जवाब आपको आगे जाके मिलेंगे, आपके दिमाग में प्रश्न यहाँ पे उपस्थित होगा, भाई क्यों पब्लिक नहीं रख सकते, पब्लिक नहीं रख सकते तो पब्लिक रखने से क्या होता है, पब्लिक रखने से वो मेंबर क्लास का वो डेटा क्लास का वो मेंबर कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है। तो आप सोचोगे ना कि हमें ऐसा तो करना है, बिन का तो मकसद ही यही है ना कि उसमें जो डेटा रखा है वो बाहर इजीली एक्सेस हो, पब्लिक रखने से वो कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, ऐसा नहीं करना है। जहां पे उसे एक्सेस करना चाहिए वहीं पे हम एक अलग तरीका देंगे उसको एक्सेस करने का, हम एक्सेसिबल करेंगे, बट एक्सीडेंटली वो कहीं पे एक्सेस ना हो इस हेतु से पब्लिक नहीं रखना है। अगर पब्लिक रखेंगे तो वो एक्सपोज हो जाएगा डेटा, हर जगह पे वो एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं करना है। तो पब्लिक नहीं रखना है इसका मतलब प्राइवेट रखना है और एक्सेसिबल भी करना है। तो क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उनको रीड राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, गेटर और सेटर मेथड डिफाइन करते हैं, याद है ना। गेट मेथड के जरिए उस मेंबर की वैल्यू रीड की जा सकती है, सेट मेथड के जरिए उस मेंबर की उस वेरिएबल की वैल्यू सेट की जा सकती है, बस ये करना है हमें। देखो शुड हैव मेथड्स लाइक सेटएक्स एंड गेटएक्स। तो क्या कहा यहाँ पे, बिन मतलब ऐसा क्लास कि जिसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, उसके मेंबर्स प्राइवेट होने चाहिए, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल प्राइवेट होने चाहिए, और उन प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए गेटर और सेटर मेथड होनी चाहिए, बस इतना ही और कुछ नहीं। अगर इस तरह का कोई क्लास बनाया है आपने तो वो बिन है, जावा बिन, और फिर आप उसको इजीली नॉन जावा सिंटेक्स से एक्सेस कर सकते हो। अब देखो मस्ट हैव अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अ जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर इज रिक्वायर्ड, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आइदर वी डिफाइन इट explicitly or we don't define any constructor, it will be defined implicitly, we know java, java में
हर क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होता ही है, अगर हम डिफाइन नहीं करते तो सिस्टम डिफाइन करके रख देता है, और सिस्टम डिफाइन करके रखता है वो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो पहला जो पॉइंट है वो यही कहता है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, चाहे आप बनाओ या सिस्टम बनाए। दिस कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड वेन एवर जेएसपी एलिमेंट क्रिएट बिन्स। अब जेएसपी से जब बिन क्रिएट होगा ना, अगर क्रिएट होगा तो तब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसलिए इसको बना के रखना है। अब इन क्लास शुड हैव नो पब्लिक इंस्टेंस वेरिएबल्स। अ पब्लिक वेरिएबल ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। विद बीन्स वी शुड अवॉइड डिक्लेयरिंग पब्लिक वेरिएबल्स, इंस्टेड वी शुड डिफाइन मेथड्स व्हिच रीड द इंस्टेंस वेरिएबल एज वेल एज राइट द डेटा इनटू इट। एक्सीडेंटली वो डेटा कहीं से एक्सेस ना हो, इसलिए हम उसको पब्लिक नहीं बनाएंगे। पब्लिक बनाने से वो कहीं भी एक्सेस हो सकता है। यूजिंग सच एक्सेस मैथड्स हैज एडवांटेजेस। वी कैन पॉज कंस्टेंट्स ऑन वैल्यू। अब देखो, गेटर और सेटर मेथड बनाने से फायदे भी है, क्योंकि तो जब भी डेटा को स्टोर करना होगा ऑब्जेक्ट के अंदर तो सेट मेथड कॉल होगी। सेट मेथड कॉल होगी मतलब हमारी मेथड कॉल होगी, और जब भी किसी और पेज से डेटा सेट करना होगा तो इस मेथड के जरिए वो डेटा सेट हो पाएगा। लेकिन डेटा सेट होने से पहले ये मेथड में जो हमारा कोड लिखा है वो रन होगा। हम अगर चाहते हैं कि डेटा सेट करने से पहले हम कुछ चेक करना चाहते हैं क्या डेटा सही है या नहीं, तो वो हम कर सकते हैं अपनी मेथड के अंदर। मतलब अगर कोई और डेवलपर बिन में डेटा स्टोर कर रहा है किसी और जेएसपी से, तो हमारा जावा का कोड जो हमने बिन के अंदर लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। उसमें हम ऐसा कोड लिख सकते हैं कि डेटा जब भी सेट हो तो पहले ये हमने हमें वेरीफाई करना है, तो वो वेरीफाई होगा। फिर अगर हम चाहे तो डेटा सेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वी कैन चेंज द इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर। डेटा जो इंटरनली हम स्टोर कर रहे हैं बिन के अंदर, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। परफॉर्म सम साइड इफेक्ट्स। हमें कुछ और स्टेप्स भी लेने हैं, मतलब कि कोई डेटा अगर किसी तरह का जनरेट हो, किसी तरह का डेटा अगर स्टोर होने को आया है, तो हमें कुछ साइड इफेक्ट्स करने, कुछ और कोड रन करवाना है, कहीं पे लॉग करना है, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा, डायरेक्टली कोई भी डेवलपर उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसमें डेटा स्टोर नहीं कर पाएगा। अगर हमने इन मेंबर्स को पब्लिक रखे होते तो डायरेक्टली कहीं से भी उसमें डेटा स्टोर हो जाता, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि डेटा किसी भी प्रकार से डायरेक्टली उसमें स्टोर हो जाए। हम कंट्रोल हमारे हाथ में रखना चाहेंगे, मतलब बिन का जो डेवलपर है वो अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहेगा। परसिस्टेंट वैल्यू शुड बी एक्सेस थ्रू मेथड्स ऑफ द फॉर्म सेट एक्स एंड गेट एक्स। एज डिस्कस इन द प्रीवियस स्टेप, द इंस्टेंस वेरिएबल शुड बी प्राइवेट टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस आउटसाइड द बिन। सो इफ द बिन हैज एन इंस्टेंस वेरिएबल नेम्ड कलर। अब देखो, अगर आपका जो बिन है उसमें आपने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है कलर नाम का, कि जो प्राइवेट रखा है आपने, तो अब जो तीसरा मुद्दा है ना वो क्या कहता है, गेटर और सेटर मेथड होनी चाहिए। तो कलर नाम का अगर हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है तो हमें गेट कलर और सेट कलर ऐसे नाम वाली मेथड्स डिफाइन करनी चाहिए। देखो, अगर ये कलर वेरिएबल इंटीजर टाइप का है देन वी शुड हैव मेथड्स लाइक सेट कलर एंड गेट कलर। अब जो गेट कलर मेथड होगी ना वो रिटर्न करेगी इंटीजर, और सेट कलर मेथड में हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे इंटीजर। इस तरह का हम डेफिनेशन रखेंगे इन दोनों मेथड्स का। दिस मेथड शुड बी एज फॉलो। देखो, गेट कलर और सेट कलर, गेट कलर की रिटर्न टाइप इंटीजर, और सेट कलर में जो आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे वो इंटीजर। रिटर्न टाइप उसकी वॉइड, सेट कलर की जो रिटर्न टाइप है वो क्या रहेगी, वॉइड। तो इन्हें कहते हैं गेटर और सेटर मेथड्स। जितने भी मेंबर्स है आपके क्लास में बिन में, उन हर मेंबर के लिए हम ऐसी गेटर और सेटर मेथड्स डिफाइन करेंगे। इन केस वी वांट अ रीड ओनली प्रॉपर्टी। अब कुछ केस ऐसे भी होंगे कि जहां पे हमें कोई ऐसा मेंबर रखना है बिन के अंदर
कि भाई जिसकी वैल्यू केवल दूसरे पेज से रीड हो सके, राइट ना होनी चाहिए, है ना। मतलब कि रीड ओनली प्रॉपर्टी, रीड ओनली वेरिएबल, मतलब आपने जो डेटा सेट कर दिया उसके अंदर वही रहना चाहिए, या फिर आप ही उस वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर सको, आपके अलावा कोई और बाहर से चेंज ना कर पाए। तो ऐसा करने के लिए ऐसा जो वेरिएबल होगा उसको हम क्या कहेंगे, रीड ओनली। दूसरों के लिए वो केवल रीड ओनली है, क्योंकि इसकी वैल्यू वो लोग रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम ऐसा कोई मेंबर रखना चाहते हैं अपने क्लास में, तो ऐसे मेंबर के लिए केवल हम गेट मेथड लिखेंगे, सेट मेथड नहीं लिखेंगे। सेट मेथड लिखेंगे ही नहीं तो बाहर से कोई सेट कर ही नहीं सकता वैल्यू। गेट रखा है तो केवल उसकी वैल्यू रीड कर सकता है। एक्सेप्शनली इफ द क्लास कंटेन बुलियन वेरिएबल। अब ये गेटर और सेटर मेथड की तो हमने बात की कि भाई इस तरह की होनी चाहिए, सेट और गेट नाम वाली। लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी ऐसी है कि जो बुलियन टाइप की है, कैसी बुलियन टाइप की, तो उसकी जो गेटर और सेटर मेथड्स होगी वो इस तरह की होगी, इज एंड सेट। सेटर में वही नाम होगा, लेकिन गेट में हम इज ऐसा होगा। मतलब कि सपोज कि अगर आपकी कोई ऐसी मेथड है जिसका नाम है क्या कहते हैं, प्रेजेंट, चलो प्रेजेंट नाम का कोई एक हमारा बुलियन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी, तो इस प्रेजेंट के लिए जो हम गेटर मेथड बनाएंगे वो ऐसी होगी, इस प्रेजेंट जो रिटर्न करेगा बुलियन, ठीक है। और जो सेटर मेथड होगी वो तो एज इट इज रहेगी, वॉइड सेट प्रेजेंट और उसमें आर्ग्यूमेंट बुलियन। तो बुलियन टाइप के मेंबर्स के लिए जो गेटर मेथड्स है वो इस तरह का फॉर्म में हम रखेंगे, इज फिर उस मेंबर का नाम। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। व्हाट आई मीन टू से इज दैट फॉर अ बुलियन मेंबर और प्रॉपर्टी, सपोज कि लिस्ट नाम की कोई प्रॉपर्टी है, लिस्ट नाम का कोई वेरिएबल है जो बुलियन टाइप का है, कौन से क्लास के अंदर, कार क्लास के अंदर। तो इस प्रॉपर्टी के लिए गेटर और सेटर मेथड हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। सेटर मेथड तो वही रहेगा, वॉइड सेट लिस्ट और बुलियन आर्ग्यूमेंट, लेकिन गेटर मेथड है वो ऐसा, बुलियन इज लिस्ट। यहाँ पे स्पेस नहीं है एक्चुअली, ये गलती से यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे स्पेस नहीं होगी, बुलियन इज लिस्ट ऐसे नाम की मेथड होगी। रिटर्न क्या करेगी वो, बुलियन वैल्यू। ऑल्दो वी कैन एक्सेस द मेथड्स यूजिंग स्क्रिप्टलेट्स और एक्सप्रेशंस, द स्टैंडर्ड JSP एक्शन फॉर यूजिंग बिन्स कैन ओनली मेक यूज ऑफ सेट एक्स एंड गेट एक्स। मतलब क्या कहा यहाँ पे कि अगर बिन क्लास के अंदर हम गेटर और सेटर मेथड के अलावा कोई और भी मेथड चाहे तो रख सकते हैं, उसमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई मेथड रखते हम तो वो हम स्क्रिप्टलेट और एक्सप्रेशन के जरिए कॉल तो कर सकते हैं उसमें, क्योंकि एक्सप्रेशन JSP एक्सप्रेशन और JSP स्क्रिप्टलेट वो तो प्योर जावा का कोड है जिसमें हम किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर JSP की सिंटेक्स के जरिए, JSP की XML जैसे दिखने वाली सिंटेक्स के जरिए अगर हम बिन को एक्सेस करना चाहते तो केवल गेटर और सेटर मेथड्स को ही कॉल किया जा सकता है, और कोई मेथड को नहीं। कहने का मतलब मेरा क्या है कि भाई सपोज आपने कोई ऐसा एक बिन बनाया है क्लास कार, ठीक है, उसके अंदर आप जो मेंबर्स रखते हो जैसे कि इंटीजर कलर की बात की अभी, तो उसके लिए आप ये प्राइवेट है, ठीक है, तो आप पब्लिक मेथड्स रखोगे, पब्लिक वॉइड सेट कलर जिसमें आर्ग्यूमेंट इंटीजर, ठीक है,
फिर उसी तरह से आप गेटर मेथड लिखोगे, पब्लिक इंटीजर गेट कलर, ठीक है। अब इसके अलावा आप ऐसी कोई मेथड भी रखते हो, सपोज पब्लिक वॉइड डिस्प्ले या शो, तो ये तो एक नॉर्मल सी मेथड है, ये गेटर गेटर या सेटर मेथड नहीं है। आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह की मेथड अगर आपने बीन के अंदर रखी है तो नो डाउट अगर आप अपना जेएसपी पे लिखते हो तो उसमें आप स्क्रिप्टलेट में आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है कार का, कार ऑब्जेक्ट, उसके जरिए आप शो को कॉल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो प्योर जावा का कोड है, ठीक है। लेकिन जो जेएसपी सिंटेक्स हम बात कर रहे हैं, जो एक्सएमएल जैसी दिखती है, अगर उसके द्वारा आप बीन को एक्सेस करते हो, जो सिंटेक्स हमें यहाँ पे जेएसपी में अलग से दी गई है, ठीक है, उस सिंटेक्स के जरिए अगर आप बिन को एक्सेस करते हो तो आप इस सोम मेथड को कॉल नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब कि आप केवल ऐसे उन्हीं मेथड्स को कॉल कर पाओगे जेएसपी सिंटेक्स से, कि जो गेटर और सेटर फॉर्म की है, अदरवाइज नॉर्मली जावा का कोड लिख के कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसा करना है तो बिन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिन का मकसद ही वही है, उसमें डेटा कुछ स्टोर करवाना है, क्योंकि आज का डिस्कशन शुरू कहाँ से हुआ, डेटा को शेयर करना है, तो वो बिन में रख के शेयर करना है, बिन का काम मकसद यही है, वो मॉडल है जिसमें डेटा रहेगा। यूजिंग बिन्स। अब देखो, अब हम चर्चा पे आते हैं कि अच्छा पता चल गया कि बीन मतलब जावा का एक क्लास जिसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, उसके इंस्टेंस मेंबर्स प्राइवेट रखने हैं, और उन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए गेटर और सेटर मेथड्स डिफाइन करनी है पब्लिक, ऐसा क्लास होगा, ठीक है। अब उस क्लास को जेएसपी में से कैसे एक्सेस करें? सर्वलेट में तो वो इजीली होगा क्योंकि सर्वलेट तो जावा का ही कोड है, लेकिन जेएसपी में उसे एक्सेस कैसे करें बिन को? तो जेएसपी में मैंने कहा ना कि हमें ऐसी सिंटेक्स दी गई है कि जो दिखने में एक्सएमएल जैसी है, जिसके जरिए हम वो जावा के कोड को, जावा के क्लास को, उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। कौन सी है यह सिंटेक्स? ये रही जेएसपी यूज बिन, जेएसपी कॉलन यूज बिन, जेएसपी कॉलन गेट प्रॉपर्टी और जेएसपी कॉलन सेट प्रॉपर्टी, है ना? सिंपल सा नाम से ही पता चल जाएगा आपको, भाई जेएसपी यूज बिन है तो वो ऑब्जेक्ट को पहले रिट्रीव करेगा, बिन ऑब्जेक्ट को, फिर गेट प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट से अंदर से किसी इंस्टेंस वेरिएबल को रीड करेगा, और सेट प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी डेटा को स्टोर करेगा। ये तीन मैकेनिज्म्स हमें दिए गए हैं जेएसपी में बिन्स को एक्सेस करने के लिए। देखो, जेएसपी यूज बिन, दिस एलिमेंट बिल्ड्स अ न्यू बिन, इट इज यूज्ड एज। अब देखो, जेएसपी यूज बिन के जरिए वो जो क्लास डिफाइन हुआ है ना, बिन क्लास, उसका ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं जेएसपी में से। अब तक तो आपने ऐसा देखा है कि भाई जावा के किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो हम वो सिंटेक्स लिखते हैं जावा की, न्यू वाली, क्लास का नेम, वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू न्यू, फिर कंस्ट्रक्टर लिखते हैं ना। तो ये तो अब नया आया कि जावा के क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे ऐसी सिंटेक्स से, यूज बिन से। तो ये मैंने कहा ना कि नॉन जावा डेवलपर भी इसको इजीली लिख सकता है, ऐसा हमें यहाँ पे दिया गया है सिंटेक्स। तो यहाँ पे जेएसपी में जावा का कोड लिखे बिना आप बिन का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो उसकी ये सिंटेक्स, जेएसपी कॉलन यूज बिन,
आईडी इज इक्वल टू कुछ नाम देना है उसको, और फिर उस बिन क्लास का यहाँ पे क्वालिफाइड नेम, क्लास इज इक्वल टू उसका क्वालिफाइड नेम। इफ वी सप्लाई अ स्कोप एट्रीब्यूट, देखो यहाँ पे जैसे हमने क्लास और आईडी एट्रीब्यूट दिए है ना यूज बिन के साथ, उसी तरह से स्कोप एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे जाके करेंगे। अगर हम स्कोप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं ना, तो एक्चुअली उसके जरिए हम ये तय कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो नया बनाना है या पहले बना हुआ है तो उसे रिट्रीव करना है, ये हम स्कोप एट्रीब्यूट लिखकर मेंशन कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा सिंटेक्स जेएसपी का, जिसके जरिए हम उस बिन का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो बिन हमने बनाया है जावा में। पता है ना हम ऐसा लिखते हैं, जैसे कि कार नाम का क्लास है ना अपना, तो हम क्या लिखते हैं जनरली जावा में, कार, फिर उसका वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू कार, ये सिंटेक्स है ना जावा में, ये जावा की सिंटेक्स, प्योर जावा की सिंटेक्स ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। लेकिन जेएसपी में बनाना हो जावा का कोड लिखे बिना तो ऐसे बन सकता है, यही चीज यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे हमने बिन लिखा है बिन नेम, वहां पे आ जाएगा मारुति और यहाँ पे आ जाएगा कार। गेट प्रॉपर्टी, दिस एलिमेंट रीड्स एंड आउटपुट्स द वैल्यू ऑफ ए बिन प्रॉपर्टी। बिन के अंदर किसी भी पर्टिकुलर डेटा को मेंबर को रीड करना हो, मतलब गेटर मेथड कॉल करनी हो, इन अदर वर्ड्स जो हमने गेटर मेथड बनाई है ना क्लास के अंदर वो कॉल करनी हो, तो हम कर सकते हैं गेट प्रॉपर्टी के जरिए, जेएसपी कॉलन गेट प्रॉपर्टी। नेम में क्या लिखना है, अभी जो यूज बिन में नाम दिया ना वो नाम लिखना है, और प्रॉपर्टी में उस वेरिएबल का नाम। तो ये नॉन जावा सिंटेक्स से हम जावा की मेथड कॉल कर सकते हैं, पर्दे के पीछे जावा की मेथड कॉल होगी, मैंने कहा ना पर्दे के पीछे जावा का कोड रन होगा। लिखेंगे हम ऐसी सिंटेक्स की जो दिखने में कैसी है, एक्सएमएल जैसी है, लेकिन पर्दे के पीछे हमारा जावा का कोड रन होगा। और इसी तरह से जैसे ये गेट प्रॉपर्टी है, उसी तरह से सेट प्रॉपर्टी, जहां पे हमें वैल्यू सेट करनी है, इन अदर वर्ड्स वो सेटर मेथड कॉल करनी है कि जो जावा में हमने डिफाइन की है। दिस एलिमेंट मॉडिफाइज अ बिन प्रॉपर्टी, इट कैन बी डन बाय कॉलिंग अ मेथड ऑफ फॉर्म सेटेक्स, जेएसपी सेट प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू, यहाँ पे बिन का नाम जो रखा है हमने मारुति वो, प्रॉपर्टी इक्वल टू वहां पे जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसका नाम जैसे कि कलर, और यहाँ पे उसकी वैल्यू जैसे कि हमें ब्लू। ऐसा करने से क्या होगा, इंटरनली ऐसा होगा मारुति, अगर वेरिएबल का नाम मारुति रखा है मतलब कि ऑब्जेक्ट का नाम मारुति रखा है, तो डॉट सेट कलर और ब्लू जो भी आपने यहाँ पे पास किया है, अगर यहाँ पे आपने लिखा मारुति, प्रॉपर्टी में लिखा कलर और यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू में लिखा ब्लू, तो इंटरनली ये होगा मारुति डॉट सेट कलर ब्लू, मतलब नॉन जावा सिंटेक्स के जरिए हम जावा का कोड एक्सेस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मतलब जेएसपी के पेज को हो सके उतना नॉन जावा सिंटेक्स से डिफाइन किया जा सके, ऐसा बनाने की यहाँ पे कोशिश है। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम बिन्स को कैसे बनाते हैं वो डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ।